रैपिड न्यूज प्रेजेंट्स। रोज खबरें आ रही हैं कि आज यहां से इतनी नकली पकड़े गए तो आज यहां से। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के मयूर विहार में हुआ है। संतोष कुमार नाम के एक ऑटो चालक को एक शख्स ने 500 के दो नकली नोट दे दिए। शख्स ने अशोक नगर से द्वारका के लिए ऑटो किया था। वह ऑटो से कुछ सामान रखकर ले गया था। इस दौरान ऑटो वाले ने उससे 800 रुपए किराया मांगा, लेकिन उस व्यक्ति ने 800 के असली नोटों के बजाय 500 के दो नकली नोट पकड़ा दिए। हालांकि इन नोटों पर साफ लिखा है मनोरंजन का खजाना, लेकिन चालक ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए नोट रख लिए और अपने पास से 200 और दे दिए। जब वह मयूर विहार आया तो उसने देखा कि यह तो नकली नोट है। ऐसा देख उसके होश उड़ गए। बता दें कि पहली नजर में ये नोट एकदम असली है। अगर ध्यान से न देखा जाए तो कोई भी बेवकूफ बन सकता है। बता दें कि नोटबंदी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और बाजार में 2000 और 500 के नकली नोट आ गए थे। इसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में काफी लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट प्रिंटर और नोट बनाने वाले कागज मिले थे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे ताकि वो इस धोखेबाजी से बचे रहे।